अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमा। आज एक और वॉश रेसिपी मज़ेदार सी, जो कि है बिरयानी, जो कि बन रही है कुछ लेफ़्ट ओवर सालन से। आइए देखते हैं कि किस तरह बनाई हमने ये। एक तो मेरे पास चिकन कढ़ाई की थोड़े सा सालन बचा हुआ था एक बाउल के करीब, और दूसरा जो है वो चिकन धुआँ दही बनाई थी जिसकी बोटियाँ रह गई हैं और बाकी ग्रेवी ख़त्म हो चुकी है। तो इसमें हम ये दोनों सालन यूज़ करेंगे। और मसालों में हम डालेंगे 1.5 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 2 टीस्पून नमक, 1/4 जो कि हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं, 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे, और 1/4 टीस्पून दोनों 1/4 1/4 जायफल और जावित्री का पाउडर है, और 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला। खड़े गरम मसालों में हम डालेंगे 1 तेज़पत्ता, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 3 छोटी इलायचियाँ, 8 से 10 काली मिर्चें, 3-4 लौंगें और 1 टीस्पून ज़ीरा। और ये चावल हैं जो हमने नॉर्मल बिरयानी के राइस जैसे बॉईल करते हैं, इस तरह ज़ीरा और नमक 2 टेबल स्पून नमक और 1 टीस्पून ज़ीरा डाल के बॉईल कर लिए हैं। 95% ऑयल डालेंगे हम, आधे कप से थोड़ा ज़्यादा और 1 कप से थोड़ा कम, अंदाजे से डालिएगा। और जैसे ही थोड़ा ऑयल गर्म हुआ, हमने इसमें खड़े गर्म मसाले डाल लिए जो कि मैंने अभी मेंशन करे। ज़रा से इनका कड़कड़ाने लगेंगे तो फिर हम ये 1 छोटी प्याज जो है वो स्लाइस करी हुई इसके अंदर डाल देंगे। अब इनको इन खड़े गरम मसालों के साथ प्याज को फ्राई करेंगे। अच्छा सा ब्राउन सा कलर, गोल्डन सा कलर आ जाएगा जब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। और कुछ ही मिनट के बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, और साथ ही थोड़ा सा पानी भी डालेंगे ताकि हमारी जो प्याज है वो मज़ीद कुक ना हो और इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और एक अच्छा सा कलर जो है वो प्याज का आ जाए। थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे और फिर अपने सारे पिसे हुए जो मसाले थे वो इसके अंदर डाल देंगे। और अब इनको थोड़ा सा भूनेंगे और फिर इसके अंदर हम ये 1 बड़ा टमाटर मैंने स्लाइस कर लिया था लंबाई में, वो हम इसमें डाल देंगे और इनको टमाटर को और मसालों को अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। 1 से 2 टेबल स्पून 2-3 टेबल स्पून पानी हम डाल देंगे ताकि मसाला हमारे जो है वो जले नहीं। थोड़ा सा भुनाई करके हम इसको ढक के रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और ये देखें, हम टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, इसको हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे स्पून से ही ताकि अच्छी सी ग्रेवी हमारी बन जाए। ये देखें, अब इसमें हम अपने दोनों जो सालन थे वो बारी बारी डाल देंगे। पहले हमने चिकन का सालन डाला क्योंकि उसके अंदर खाली चिकन थी और ग्रेवी खाली ग्रेवी नहीं थी, तो हमने इस ग्रेवी के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये चिकन हुआ दही था जिसकी भी मैंने वीडियो बनाई है और इंशाल्लाह वो मैं जल्दी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और ये फिर हमने चिकन कढ़ाई जो है ये भी साथ डाल दी है। इसमें ग्रेवी भी है थोड़ी सी, इसलिए इसको हमने थोड़ा बाद में डाला है। अब दोनों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से भुनाई सी कर लेंगे। ये दोनों सालन बिल्कुल तैयार हैं इसलिए हमें इसको कुछ देर तो नहीं लगेगी। यहाँ पे हम 1-2 से 3 टेबल स्पून जो है वो लेमन जूस भी डालेंगे जो कि वीडियो में थोड़ा कटिंग कट हो गया है। अच्छी तरह से दोनों को मिक्स करके फिर हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून लेमन जूस डाल देंगे। अभी मैंने लेमन जूस डाल दिया था लेकिन वो वीडियो नहीं बन सकी उसकी। अब हम ये मिर्चें हैं थोड़ी सी हरी मिर्चें जिन्हें हमने थोड़े से कट करके बड़ी बड़ी डाल दी हैं, और पुदीना, इसकी खुशबू जो है पुदीने का टेस्ट और खुशबू बिरयानी में बहुत ज़बरदस्त लगती है। थोड़ी सी मिर्चें मैं 1-2 मिर्चें और डालूँगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। और साथ ही इस मौके पर आप थोड़ा सा नमक भी टेस्ट कर लीजिएगा, और मिर्ची अगर और डालनी हो तो आप और डाल दीजिए।
हरी मिर्चें। ये देखिए, अब ये जब हमारा सालन बिल्कुल तैयार है तो फिर हम इसमें से आधे से ज़्यादा जो है वो ग्रेवी और चिकन जो है वो बाहर निकाल लेंगे और बस थोड़ा सा इसमें पतीली में छोड़ देंगे। नीचे जब हम पतीली में लेयरिंग करते वक्त ऑयल या सालन थोड़ा सा छोड़ देते हैं तो उससे हमारा जो है बिरयानी वो जलती नहीं है। ये देखिए, अब हमने जो चावल 95% बॉईल कर लिए थे वो हम इसमें डाल लेंगे, एक लेयर चावलों की। थोड़ा सा हमने सालन बस नीचे छोड़ा है और इसके ऊपर हम बाकी जो हमने निकाल के अभी रखा था वो सारी ग्रेवी और सालन सब डाल देंगे इस तरह। इसको फैलाएंगे थोड़ा सा हम और बाकी के बचे हुए चावल भी हम सारे इसके अंदर डाल देंगे। देखिए, इसको सेट कर लेंगे पूरे चम्मच से, चारों तरफ चावलों की लेयर को सेट करेंगे और फिर इसके ऊपर हम आधा टीस्पून केवड़ा और 1/4 टीस्पून जर्दे के रंग में मिक्स करके डालेंगे और उसी में मैंने पानी लेके थोड़ा सा डाला है, तकरीबन आधे कप के बराबर पानी हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें मज़ीद डालेंगे क्योंकि उस हमें स्टीम बनाने के लिए पानी की ज़रूरत है। ये देखिए, मुझे थोड़ा इसमें से हम थोड़ा सा इसके बाद 2-3 टेबलस्पून घी के डाल देंगे ऊपर, इससे जो है बिरयानी बड़ी जूसी सी लगती है और सूखी सूखी नहीं लगती। थोड़ा सा जर्दे का कलर मैंने और डाला है, मुझे कम लग रहा था वो मैंने पाउडर ही डाल दिया। अब हम इसको एक कपड़ा रख के और दम पे रख देंगे। नीचे हमने एक बॉटम में तवा रख दिया है, 15-20 मिनट को इसको दम देंगे, पहले तेज़ आंच पे 5 मिनट और फिर हल्की आंच करके। अब ये देखिए, हम 15-20 मिनट के बाद ये हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। इसकी हम ढकना हटा के हमने इसके अब ये चावलों को उलट पलट दिया है, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। बहुत मज़ेदार बनी थी, आप लोग भी प्लीज़ इस तरह से ट्राई कीजिएगा और अपने खानों को ज़ाया होने से बचाइए। बहुत बड़ी नेमत है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। उठा के फ्रिज में रख दिया करें, अगर फ्रीज़ कर दिया करें अगर फ़ौरन बनाने का नहीं है मूड। और जब इस तरह से बाज़ दफ़ा नहीं पता, कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्या बनाएं, तो हम इस तरह से जो है हमारे सालन अगर बचे हुए हों तो फिर हम उससे एक नई क्रिएशन कर सकते हैं। और बिरयानी तो हर घर में ही बड़े शौक से खाई जाती है, इसको प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। और लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।